भारत और वेस्टइंडीज के बीच में ओडीआई सीरीज हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिली थी और उस सीरीज में भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया था, जिसके बाद अब ओडीआई सीरीज कंप्लीट होने के बाद बारी है टी20 सीरीज की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में हमें 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज देखने को मिलने वाली है और ओडीआई सीरीज खत्म होने के एक दिन बाद ही, यानी कि एक दिन के गैप के बाद ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच में टी20 सीरीज हमें 29 तारीख से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन टी20 और ओडीआई मुकाबलों के बीच में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर चेंजेस में सबसे बड़ा पार्ट है टाइमिंग का, जहां पर हमें ओडीआई सीरीज का टाइम स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता था शाम को 7 बजे से, लेकिन अब जो टी20 मुकाबले हैं वो तो और भी ज्यादा लेट स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में हमें ये मुकाबला रात को 8 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, जहां पर काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी अब इस बात की बन चुकी है कि ये मुकाबला रात को 12 बजे तक देखने को मिलेगा और इसकी वजह से व्यूअरशिप की भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उतने देर रात तक मुकाबलों को देखना प्रेफर नहीं करते हैं अपने काम की वजह से। खैर, अगर स्टेडियम की बात की जाए तो अभी ये क्वींस ओवल पार्क में नहीं खेला जाएगा, बल्कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में आप लोगों को ये मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही डीडी स्पोर्ट्स या फिर फैन कोर्ट के ऊपर आप लोग इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन जीतेगा टी20 सीरीज। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।